आज जो केस हम पेश कर रहे हैं ये दरअसल केस ही नहीं था। ना कोई शिकायत दर्ज हुई थी, ना जुर्म का कोई सुराग था, सिर्फ एक खबर हाथ लगी थी। एक ऐसी खबर जो हम तक काफी अजीबोगरीब रास्ते से आई थी। ए जीतू, एक क्वार्टर पिलाना भाई। क्यों बे चंद्रू, हैप्पी बर्थडे तेरा। ये पिलाना बिल कंजूस, दो दिन से गला सूख रहा है भाई। हट चंद्रू, दोबारा हाथ लगाना, बहुत बुरा बैठेगा तू, समझा? चल निकल। एक खबर है मेरे पास, कड़क खबर दूंगा, सोडा पानी कुछ नहीं, नीट दूंगा साले। खबरी को खबर देगा वो भी तू? हाँ, खबर सुनेगा खंबा पिलाएगा। मेरे पास कोई केस है नहीं, मैंने तुझसे कोई टिप मांगी नहीं, फिर तेरे पास ये नई खबर कहाँ से आ गई? हाँ यही तो बात है, इस बार खास खबर से खास केस निकलेगा, देख लेना तू। और तुझे खबरियों का वो मिलेगा, वो क्या, हाँ भारत रत्न मिलेगा तेरे को। मेरे को बस एक हफ्ते की पिला देना, अब उसी में से एक क्वार्टर पिला देना भाई, गला सूख रहा है। चंद्रू खबर। जीतू आज तारीख क्या है भाई? 15 जून 2017 गुरुवार, आगे बोल। 2015 में दिवाली कौन सी तारीख को पड़ी थी याद है? अब जो तुझे पड़ेगी ना सारी जिंदगी याद रखे। हर तरफ फटाके चल रहे थे, 2015 दिवाली का टाइम था। और क्या हुआ 2015 की दिवाली में? अरुणापुरम स्टेशन मालूम तेरे को? अबे आगे बोल बेवड़े। अरुणापुरम स्टेशन से थोड़ा आगे, नहीं पीछे, नहीं शायद आगे, हाँ याद आया, स्टेशन से थोड़ा आगे फाटक से पहले मैं पूरा खंबा डाउन था, बोरी बिछाई और लेट गया। कौन था वो आदमी जिसको पटरी पर लिटाया? मुझे नहीं पता। और वो चार लोग कौन थे? मुझे क्या पता। तो साले तुझे पता क्या है चंद्रू? दूसरे दिन मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो मैंने उस आदमी को जो पटरी पर लिटा के गए थे ना उसको फिर देखा सुबह। वे साले चंद्रू मरा हुआ था वो। ए अम्मा, अम्मा भूखे को खाना खा। अम्मा दो दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा कई दिनों तक उस लाश की फोटो प्लेटफार्म के बोर्ड पे चिपकी रही, फिर निकाल दी गई। तो ये है खबर। एक तो 1.5 साल बासी खबर दे रहा है,
ऊपर से कैसे पता चलेगा तू सच बोला है झूठ बोला है? तेरे बाप लोग पुलिस वाले पता करेंगे ना, तू तो उन्हें बस खबर दे, तगड़ा इनाम मिलेगा। खबरें 36 घंटे बाद भी एक्सपायरी हो जाती हैं और तू मैं 36 महीने पहले की खबर सुना रहा है, वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। अबे जीतू क्या समझ के रखा तूने हमें, न्यूज़ चैनल? सर पहले मुझे भी यही लगा था कि ये चंदू भिगारी ना शराब के लिए मुझे कोई गोली दे रहा है, लेकिन सर वो टून होने के बाद भी ना उसी बात पर अड़ा रहा। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी कि हो सकता है जो मर्डर हुआ हो वो सच में हुआ और उसे वो क्या बोलते हैं कि उसे एक्सीडेंट का कलर दिया जा रहा हो, मतलब परफेक्ट मर्डर। अरुणापुरम रेलवे स्टेशन के पास? जी हाँ, अब मैंने पता लगाया ये चंदू भिखारी जिस ट्रैक की बात कर रहा है वो अरुणापुरम और हिमगुड़ी इनके बीच में ही पड़ता है। 2015 में दिवाली के टाइम अरुणापुरम GRP से वेरीफाई कर लो। जी सर। सर हो सकता है बॉडी अभी तक क्लेम भी हो गई हो। उस भिखारी का कहना है कि उसने ट्रैक पर लटाते हुए 4 लोगों को देखा, तो मर्डर रूल आउट नहीं कर सकते। अब देखो एक शराबी की बातों का कितना भरोसा कर सकते हैं? वो भी है सर, कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत भी हो सकती है या फिर परफेक्ट क्राइम की कहानी हो सकती है, क्या पता। इतनी वार्निंग और इतने फाइन के बावजूद कितने लोग डेली इस पटरी को क्रॉस करते हैं और इस ट्रैक में एक्सीडेंट रेट्स हाई हैं, लगभग हर हफ्ते यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट केस होता ही है। मैं फिर भी दिवाली 2015 के आसपास रेलवे एक्सीडेंट्स के केसेस की फाइल को लाइनअप करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं उस वक्त यहाँ पर था नहीं, इस पोस्टिंग में आए हुए मुझे सिर्फ 8 महीने हुए, फाइल रूम मुझे चेक करना पड़ेगा। हम सिर्फ इसलिए चेक करवा रहे हैं क्योंकि खबरी ने हमें टिप दी है कि मर्डर हुआ हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी। ये तीनों तस्वीरें चंद्र को दिखाओ। जीतू देख 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 देख, तू चाहे तो उस खंभे के पैसे ले ले, लेकिन मुझे पिटवा उठवा मत भाई, मार खाने की उम्र नहीं है मेरी। जेल की हवा तो खा सकते ना यार, उस रात में दारू पिया था लेकिन सच बोल रहा था भाई। आज चाय पी के सच बोल दे, आ जा। दिवाली का टाइम था, पक्का तू टाइट होगा, ट्रैक पर अंधेरा भी होगा, फिर भी तू पहचान गया। कहीं ऐसा तो नहीं दारू वारू के चक्कर में इस जीतू को गोली दे रहा है? नहीं 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 साहब, भाटली कसम, 4 लोग थे साहब और आकर इस आदमी को पटरी पर लिटा गए, मैंने आंखों से देखा था। सर अरुणापुरम GRP ने 1 नवंबर 2015 से 15 नवंबर 2015 तक की सभी मिसिंग कंप्लेंट छानी, लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली उन्हें। फिर रेलवे ने खुद ही इस लाश का क्रियाक्रम कर दिया और बाद में कोई खोजता पूछता भी नहीं आया? जी नहीं सर, हमारे पास एक पेकड़ भिखारी आई विटनेस है और किस्सा भी 1.5 साल पुराना। ईश्वर क्या ये केस हमें हाथ में लेना चाहिए? नवंबर 2015 से जनवरी 2016 तक सिर्फ अरुणापुरम ही नहीं बल्कि कर्नाटक के हर पुलिस स्टेशन में ये फोटोग्राफ और डिटेल भेजे गए, कहीं पे भी किसी कंप्लेंट के साथ में ये मैच नहीं हुए। जनवरी में केस क्लोज कर दिया गया। तो अब कहां से स्टार्ट करोगे महेश? तुम्हारे पास सिर्फ एक शराबी का बयान है, कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। सर शायद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की नहीं गई, या हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट में की गई या किसी और स्टेट में, पर सर मेरा इंट्यूशन कहता कि ये मर्डर हो सकता। ले लो केस, मैं तो कहता हूं कि भिड़ जाओ, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन एक मौका है ये प्रूव करने का कि कभी कोई परफेक्ट क्राइम हो ही नहीं सकता। सर डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स को फिर से सर्कुलेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, सभी पुलिस थाने में जा चुकी है, सबके फाइल में होंगे। ये केस तकरीबन 1.5 साल पुराना केस है सर। और सर अगर हम ये मान के चलते हैं कि विक्टिम अरुणापुरम या फिर उसके आसपास के एरिया का है, तो फिर विक्टिम के परिवार वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई होगी। ये वर्किंग क्लास का लगता है, अब कहीं ना कहीं तो इसका घर होगा जहाँ ये पिछले 1.5 साल से लौटा ही नहीं। यह अरुणापुरम और यह हिमगुड़ी और यह है इन दोनों इलाकों के बीच में से गुजरता हुआ वो रेलवे ट्रैक जहाँ पर आदमी को लटाया गया। अब विक्टिम या तो हिमगुड़ी का हो सकता है या अरुणापुरम का, और इन चारों कातिलों में से कोई एक या तो इस एरिया का हो सकता है या इस एरिया का, या ये भी हो सकता है कि ये सब के सब या तो हिमगुड़ी से कनेक्टेड हो या अरुणापुरम से। सर ये अरुणापुरम, हिमगुड़ी, माघीहली, तासीगरी, सेरोनाद, यहाँ कहीं से भी हो सकता है क्योंकि ये सभी एरिया एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। सर विक्टिम करीब 1.5 साल से घर नहीं लौटा, उम्र 26 से 29 साल। अब हमें एक अनजान आदमी की पहचान ढूंढ निकालनी, तकरीबन 10 लाख लोगों के बीच में से। विक्टिम का चेहरा हमें नहीं पता, विक्टिम मारा गया, पर जो भी हो ढूंढना तो है।
10 नवंबर 2015 की सुबह उसका सर कुचला हुआ मिला था अरुणापुरम से हेमगुड़ी के बीच रेलवे ट्रैक पर। उम्र 26 से 29 साल के बीच में होगी और गरीब घर से था। अब तुम लोग ये पता करो कि पिछले 1.5 साल के अंदर घर वापस कौन लेगा। मारे गए आदमी की आइडेंटिटी की तलाश जारी थी जो अपने घर नहीं लौटा था, पर साथ साथ हम दूसरे केसेस में भी बिजी थे। और तभी एक दिन वो खबर आई जिसकी उम्मीद काफी कम थी। तू हिमांगी से पूछ ले, वो यहाँ से तीसरी गली में रहती है। अच्छा, इस हिमांगी घर में कोई ऐसा है जो कि पिछले 1.5 साल से घर वापस नहीं लौटा है? हाँ, विजय कोटियान, उसका पति। जहाँ तक मुझे याद है पिछले के पिछले दिवाली से वो दिखाई नहीं, और हिमांगी घरों में काम करती है। इस वक्त शायद वो घर पे होगी। कौन आप? हिमांगी कोटियान। हाँ, मैं ही हूँ। आपके पति विजय कोटियान 2015 की दीपावली के टाइम से घर नहीं लौटे। हाँ हाँ, किधर है वो? आप कौन? विजय ने भेजा है? जी नहीं, मैं पुलिस की तरफ से हूँ। पुलिस? विजय जेल में है क्या? जी नहीं, मेरे पास एक फोटो है पर उसका चेहरा नहीं है। चेहरा? चेहरा नहीं है मतलब? विजय का कुछ पता चला क्या? नहीं हिमांगी बेटा, पार्वती और मैं विजय को ढूंढ ढूंढ के थक गए। क्या विजय ने कुछ बताया था हिमांगी? कहीं बाहर जाने वाला था? नहीं अम्मा, 3 दिन पहले रोज की तरह पीकर आया था। उसके बाद बोला कुछ जरूरी काम है, तो मैं भी मानसी को सुलाकर सो गई। मैं उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर गया था, सबसे मिला वहाँ, सुपरवाइजर कामगार सब यही बोल रहे थे। 9 तारीख के बाद इधर आया ही नहीं। साहब, पूरे 1 हफ्ते के बाद तकदीर चमकी है, वो फोटो वाला आदमी मिल गया। क्या मिल गया? सर, विजय कोटियान नाम था उसका, यही मागी हल्ली का रहने वाला था। उसकी पत्नी हिमांगी अपनी बेटी मानसी को छोड़ने अपने सास ससुर के घर गई है। मैं उसे अपने साथ में लेकर आ रहा हूँ। सर, कुछ और अजीब गरीब सी चीज़ें पता चली, मैं आकर वहीं पर बताता हूँ आपको। हाँ हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, विजय ने उस रात को यही कपड़े पहने थे, 9 नवंबर को। विजय, कहाँ जा रहे हो? पी कर आए हो? और कितना पियोगे? और जा कहाँ रहे हो? मैं किसी का खून करने जा रहा हूँ, ठीक है? और तूने ज्यादा टेंटे की नहीं मांगी, तेरे को भी काट दूंगा मैं, समझी? कहाँ जा रहे हो? विजय पीकर मारता था, बिना पिए भी मारता था, बहुत गुस्सा वाला था साहब। उस रात को भी गुस्से में ही निकला था घर से। ये जो विजय ने घर से जाते वक्त किसी को जान से मारने की बात कही थी, ये यूं ही नशे में कही थी या सच में उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, कभी कभी तो मुझे भी मारने की धमकी देता था। हमारे एक सोर्स ने 4 लोगों को देखा था तुम्हारे पति विजय को पटरी पर लेटाते हुए। क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग कौन हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम। हिमांगी, तुम कह रही थी कि तुमने, तुम्हारे सास और ससुर सबने विजय को काफी ढूंढा, तो फिर पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कराई? आदत थी उसकी, झगड़ा करके जाएगा, फिर 2-4 दिन तक वापस नहीं आएगा, माँ बाप के घर पे ही रुक जाएगा और उसके बाद चुपचाप कुछ दिन में घर लौट आएगा। हमें लगा इस बार भी। पर इस बार 1.5 साल गुजर गए। चीटू, तू कुछ बताने वाला था ना? जी साहब, इनके घर से पहले भी एक आदमी गायब हुआ था। और कौन गायब हुआ था हिमांगी? मैं उनसे कभी मिली नहीं। उनसे? किन से? मेरा जेठ, विजय का बड़ा भाई नीलेश अन्ना। ये नीलेश कोटिन कब से गायब? मेरी शादी के पहले से साहब। कब हुई थी तुम्हारी शादी? 2011 में, लेकिन नीलेश अन्ना तो 2010 से ही गायब थे, विजय ने ही बताया था उनके बारे में।
साहब, इस विजय के माँ बाप जरूर कुछ बता सकते हैं नीलेश के बारे में। हेमांगी, विजय के पास मोबाइल तो रहा होगा ना, नंबर याद है तुम्हें उसका? नंबर तो याद है पर नंबर सेवा में नहीं है ऐसा बोलता है। कोई बात नहीं, इस पर लिख दो। ये विजय कहाँ काम करता था हेमांगी? मजदूर था, वो बिल्डिंग बनती है ना वहीं काम करता था। जिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था विजय, वहाँ उसके कोई दोस्त तो होंगे ही? विजय के दो दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक ओमकार प्रसाद और रतन राव, वो भी विजय के साथ मजदूरी करते थे। नंबर, ये ओमकार प्रसाद और रतन राव, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ओमकार तो हमारे मोहल्ले में ही रहता है साहब, जब विजय खोया था तो उसने ही हमारी मदद की थी। हरिहरन कोटियान जी, मैं। आपकी वो हेमांगी, उसने आपको आपके बेटे विजय के बारे में बताया? जी बताया। आपकी बहू हेमांगी ने हमें आपके बड़े बेटे नीलेश के बारे में भी बताया। पहले नीलेश चला गया, फिर विजय, अब विजय के बारे में ऐसी खबर आई है कि कुछ ऐसा हुआ। लता दीदी, ये ओमकार किधर है? पता नहीं हेमांगी, सुबह से ही ताला लगा है। मैं साइट पर भी होकर आई पर वहाँ बोले काम पर नहीं आया। गाँव वाँव गया होगा, सुब्रहन्ना से बात करके देखो। ये सुब्रहन्ना कौन है? हम सबका मकान मालिक। ये नीलेश 2010 से गायब है। हाँ, नीलेश एक दिन काम से लौटा ही नहीं। कहाँ काम करता था नीलेश? जी वो हाईवे पर होटल है ना मीनाक्षी, जब वो बन रहा था तब वहाँ ईंटें लगाने का काम कर रहा था। और आप लोगों ने नीलेश के गायब होने की भी कंप्लेन नहीं कराई, क्यों? तब विजय इतना पीता नहीं था, वो ढूंढ रहा था अपने बड़े भाई नीलेश को, जो कि विजय को मिला नहीं और उसके बाद विजय खुद गायब हो गया। पार्वती जी, आखिर माजरा क्या है? ऐसा भी क्या डरना पुलिस से? अच्छा, 2010 में जब नीलेश गायब हुआ, डेट महीना कुछ याद है आप लोगों को? जी 7 साल हो गए तो कुछ अच्छे से याद नहीं। आइए सर। सर, लगता है घर बंद करके चला गया ओमकर। फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। ओमकर ऐसे कैसे निकल सकते हैं, हमें तो बताया नहीं कुछ। हेमांगी, ये ओमकर अच्छा दोस्त था विजय का? हाँ, जब विजय गायब हुआ था तो सबसे पहले मैं यहीं आई थी ओमकार से पूछने। ओमकार, ओमकार, क्या हुआ हेमांगी? विजय रात भर घर नहीं आया। दारू वारू पीकर कहीं पड़ गया होगा। एक काम कर, तू रतन से पूछ ले। मिला मुझे रतन रास्ते में, उसे भी कुछ पता नहीं है। अरे रतन, विजय को देखा क्या कहीं पे तुमने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ, बात क्या है हेमांगी? रात भर घर नहीं आया विजय, मुझे लगा तुमने कहीं देखा होगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता। और विजय होकर कहाँ पर होगा, पीकर पड़ा होगा कहीं पर। तू ओमकार से जाके पूछ, मैं इधर देखता हूँ। हेमांगी, क्या तुम आजकल में ओमकार से मिली थी? क्या उसे पता है कि विजय का मर्डर हुआ हो सकता है? हम लोग तहकीकात करें। नहीं साहब, मेरी तो महीनों से बात तक नहीं हुई ओमकार से। ये रतन कहाँ रहता है? मालूम नहीं। सुब्रह जी, आप जानते हैं रतन को? हाँ हाँ, अच्छी तरह। रतन भी यही रहता था ओमकार के साथ। रहता था मतलब, अब कहाँ रहता है वो? अब पता नहीं साहब, 2015 के आखिर तक दोनों यही रहते थे। एग्रीमेंट दिखाएं। लीजिए। एग्रीमेंट पर रतन राव का नाम, फोटो, एड्रेस कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि साहब वो बाद में आता रहने, ओमकार मुझसे बोला कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसके लिए मैंने उसको रहने को दिया और वो आधा किराया भी देता था, इसके लिए मैंने फिर कागज पत्र वगैरह कुछ बनाया नहीं। ओमकार अपना फोन बंद करके बैठा है, जरूर भागा होगा हमारे आने की भनक लगने पर। हेमांगी, मैं साफ साफ बताऊं, तुमने तो कुछ नहीं बोला है ना उसे हमारे बारे में? नहीं साहब। तो फिर लफड़ा क्या है? तुम्हारा पति गायब है, पूरे 1.5 साल हो चुके हैं और तुमने शिकायत भी नहीं की। और 1.5 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ साहब उसका, कि आ जाएगा, कल आएगा,
मेरी बेटी को उसका बाप मिल जाएगा। जबकि जानवर की तरह पेश आता था विजय मुझसे, और अब लफड़ा पूछ रहे। लफड़ा तो हो गया साहब, अब मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा, मेरी बेटी को उसका बाप कभी नहीं मिलेगा। ये केस अजीबोगरीब तरीके से शुरू होता और अब और भी अजीब होता जा रहा। ये विजय कोटियन 2015 में मिसिंग होता, मारा जाता, और डेढ़ साल तक इसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई जाती। असर ये विजय कोटियान का बड़ा भाई नीलेश कोटियान, ये 2010 से गायब है, 7 साल हो चुके हैं, पर इसकी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। और ये ओमकार प्रसाद, विजय कोटियान का दोस्त, ये आज सुबह से गायब हो गया सर, इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। और इस ओमकार के साथ रहने वाला विजय का दूसरा दोस्त रतन राव, वो पिछले 1 साल से गायब है, उसका तो कोई फोटो भी नहीं हमारे पास सर। सर इस विजय की पत्नी हिमांगी, इस पे डाउट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउट। आई मीन एक पति की मार से परेशान औरत जिसका पति अचानक गायब हो जाता है, एक तरह से उसे छुटकारा ही मिल गया। पर सर जैसे ही हिमांगी को पता चला कि हम पता कर रहे हैं विजय के बारे में, सर चौंक गई। सर मुझे ऐसा लगता है कि हिमांगी ने ही ओमकार को टिप ऑफ किया होगा, उसके बाद ओमकार गायब हो गया। सर आई थिंक विजय के केस में ये ओमकार और हिमांगी दोनों इन्वॉल्व है। हिमांगी पर तुम्हारा शक किस बुनियाद पे है? क्योंकि 1.5 साल तक ना तो उसने अपने पति विजय को ढूंढा और ना ही उसे ढूंढने में पुलिस की कोई मदद ली। विजय कोटिन के मिसिंग होने में हम उसकी पत्नी हिमांगी पर शक कर सकते हैं, लेकिन फिर नीलेश के गायब होने में? सर ये विजय हिमांगी की शादी 2011 में हुई थी, पर ये नीलेश तो 2010 से ही गायब है। सर चंद्रू भिखारी का कहना है कि वो 4 लोग थे जिन्होंने विजय को ट्रैक पर लिटाया था। सर अभी तक हमें विजय के सिर्फ 2 दोस्तों के बारे में पता चला है, एक तो ये ओमकार प्रसाद और दूसरा है रतन राव, जिसका अभी तक हमारे पास फोटो नहीं है। और सर इन 4 लोगों में एक इस ओमकार के होने के पूरे चांसेस हैं। तो जैसे ही से पता चला कि हमें पता चल चुका है, तुरंत फरार हो गया। इस विजय कोटियान के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है उसमें रतन राव का नंबर नजर आ जाए। और सर मैं ये विजय कोटियान के बड़े भाई नीलेश कोटियान के केस को खंगालती हूँ। हाईवे के पास मीनाक्षी होटल के कंस्ट्रक्शन पे ये काम कर रहा था, जो बिल्डिंग तो कब की पूरी हो चुकी है। सर आई थिंक 2010 के कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट में इस नीलेश का नाम जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें 2010 के जितने भी रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट केसेस हैं सब खंगालने चाहिए। हो सकता है 2015 में जो विजय के साथ हुआ वही 2010 में नीलेश के साथ भी हुआ। इस अजीबोगरीब केस में कुछ भी मुमकिन, ये केस बड़ा बनता जा रहा है। हो सकता है भिखारी चंद्रू की छोटी सी टीम किसी बड़े कांड का पिटारा खोल दे। जी मुकेश सर, साल 2010 2010 में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट केसेस है आपके ज्यूरिसडिक्शन में, मुझे सभी की फाइल चाहिए। उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अंजलि, 7 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है मुकेश सर। ये तो इस ओमकार प्रसाद को ढूंढने का, ये पक्का को जानता है, इसलिए हमें सूंघते ही किसी बिल में जाकर छुप गया। और इस हिमांगी पर भी नजर रखो, हमें शक है कि इसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सर आप चिंता मत करो, ये केस मेरे लिए बहुत खास है। उल्टा जो चल रहा है सब ऐसा पहली बार हो रहा होगा ना कि मेरी दी हुई खबर की पेट से केस जन्म ले रहा है। दो नंबर मैसेज कर रहा हूं, ये दोनों नंबर स्विच ऑफ हैं, पर दोनों के रिकॉर्ड चाहिए, कंज्यूमर फॉर्म से लेकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तक पूरी फाइल। हाँ हाँ 2015 के ही रिकॉर्ड्स मांग रहा हूं। ये तो ओमकार है, ये मेरे यहाँ का ही कारीगर है, इतने 2 दिन से काम पे नहीं आया। रामडे गन्ना, ये ओमकार ना मर्डर केस में शामिल हो सकता, 2015 का केस है। तू पद्मागर से मिल, वो कई सालों से यहाँ अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, शायद वो जानता होगा कि ये ओमकार कहाँ हो सकता है, और वो पक्का रतन को भी जानता होगा। ये पद्मागर कहाँ मिलेगा? वो तो यहीं ऊपर दूसरे माले पे काम कर रहा है। होटल के ओनर से ही मालूम होगा कि होटल कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था, और वहाँ से आपको लेबर सप्लायर का कॉन्टैक्ट मिलेगा। वैसे 7 साल पहले की बात कर रही हैं आप, 2010 की। जी पराग जी, 2010 उस वक्त साइट पर काम कर रहे नीलेश कोटियान को ढूंढ रहे हैं हम, तो 7 साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा। आप एक बार अपने होटल के ओनर से बात कीजिए ना प्लीज। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए मैडम। प्लीज शाम तक कर दीजिए। वैसे हम नीलेश कोटियान के छोटे भाई विजय कोटियान के केस में 1.5 साल लेट है,
और नीलेश कोटियान के केस में तो 7 साल लेट है। पद्माकर। हाँ, मैं ही हूँ पद्माकर। तुम ओमकार प्रसाद और रतन राव को जानते हो? हाँ, दोनों को जानता हूँ। हमारी तरह मजदूर है। क्यों, क्या हुआ? ओमकार प्रसाद गायब है और रतन राव को कुछ पता नहीं। बता सकते हो कहाँ मिलेंगे? अरे कार्तिक। हाँ, ये ओमकार के बारे में पूछ रहे हैं। अरे भाई, वो तो 2 दिनों से काम पर ही नहीं आया। हाँ, है मालूम है मुझे। माजरा क्या है और तुम कौन हो? मैं पुलिस का मजदूर। अच्छा सुनो, लगभग 1.5 साल पहले यहाँ से एक मजदूर गायब हुआ था, विजय कोटियान। जानते हो उसे, दीपावली के टाइम पे? विजय को ना जानता हूँ मैं। उसका बड़ा भाई नीलेश, वो भी 2 साल पहले गायब हुआ था, मालूम है मुझे। नीलेश भी पहले हमारे साथ ही काम करता था। देख भाई जी, तू ना अपने माई बाप पुलिस वाले को बोल दे कि अगर ये ओंकार प्रसाद कुछ करके भाग भाग गया होगा ना, तो ये जरूर मध्य प्रदेश गया होगा। मध्य प्रदेश तो काफी बड़ा है। देखो, और कुछ मुझे पता नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, पहले उसका वहाँ से अप डाउन होता था। ठीक है, और ये रतन, रतन राव? ये रतन तो काफ़ी टाइम से दिखा नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अच्छा कार्तिक, ये रतन, ये किस तरफ का है? ये तो अब पद्माकर। अरे रतन, तू भूल गया क्या? अरे वो तो उस साइड रहते हैं ना, वो गुंतूर वंतूर कहीं आंध्रा में। हाँ, मैंने सुना है कि ये विजय का मर्डर वर्डर हो गया है। सच है क्या? हाँ सच है। और एक बात, ये विजय कोटियान की पत्नी हिमांगी है ना, पुलिस को उस पर शक है कि ये विजय के मर्डर में उसका हाथ हो सकता है। ऐसा क्या? माजरा क्या है? एक गवाह है जिसने 2015 को दीपावली की रात में 4 आदमी को देखा था अपने इस विजय कोटियान को ट्रेन की पटरी पर लिटाते हुए। उसमें विजय के 2 दोस्तों को हमने पहचान लिया है, एक ओमकार प्रसाद और दूसरा रतन राव। ये बाकी 2 कौन है तुम लोग बता सकते हो? हम क्या बताएं, हमें तो वैसे ही ये सुन के डर लग रहा है कि अपने विजय का मर्डर वर्डर हो गया है। और भाई जीतू, तू ये जो हिमांगी, उससे दूर ही रहना, बड़ी चालाक औरत है वो। चालाक से तेरा क्या मतलब है कार्तिक? देख, जब से विजय गायब हुआ है ना, तब से मोहल्ले से लेकर साइड तक सब लोग यही कह रहे हैं कि हिमांगी जो थी वो विजय से छुटकारा चाहती थी और बस इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से साफ कर दिया। एक और फाइल 2010 के एक्सीडेंट केस की। नौ नवंबर 2015 की शाम को विजय कोटिन के फोन पर आखिरी कॉल इस रतन राव का, और उसके बाद से रतन का फोन स्विच ऑफ हुआ था। वैसे इन दोनों दोस्तों के बीच काफी बातचीत होती थी सर, ओमकार के साथ भी। विजय कॉटन के कत्ल के केस में अभी ओमकार और रतन दोनों हमारे प्राइमरी लिंक्स, इसमें कोई शक नहीं। ओमकार अंडरग्राउंड है सर, हिमांगी रडार पर है। अब बस इस रतन का पता चल जाए तो शायद इस केस में हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। और विजय के बड़े भाई नीलेश, उसके केस में क्या प्रोग्रेस है? अरुणापुरम से 2010 के सारे रेलवे एक्सीडेंट केसेस की फाइल्स बहुत जल्दी आ जाएंगी सर। अंजलि मीनाक्षी होटल के कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को ट्रैक कर रही है, जहां ये नीलेश 7 साल पहले मजदूरी करता था। लगा रहे जीतू, छोड़ना मत। जो सवाल ओमकार प्रसाद से करना है, वही सवाल हमें इस रतन राव से भी करना है। सर वैसे मैंने मध्य प्रदेश में अपने 4 आदमी को काम पर लगा दिया है, जो अलग अलग जगहों पर इस ओमकार प्रसाद को ढूंढ रहे हैं, और गुंटूर साइड में एक टीम ऑन कर दी है इस रतन राव के लिए। 2010 में कुल मिला के कितने एक्सीडेंटल डेथ केसेस हैं? कुछ 68 फाइल्स हैं मैडम, सब के सब रेलवे की पटरी पर हुए एक्सीडेंट केसेस हैं। इनमें से ज्यादा तो शराबी और गर्दुले थे जो नशे की हालत में ट्रैक पर गिर गए। कुछ सुसाइड केसेस भी हैं मैडम, कुछ 68 फाइल्स हैं मैडम, सब के सब रेलवे की पटरी पर हुए एक्सीडेंट केसेस हैं। इनमें से ज्यादा तो शराबी और गर्दुले थे जो नशे की हालत में ट्रैक पर गिर गए। कुछ सुसाइड केसेस भी हैं मैडम।
हर साल हजारों की तादाद में लोग रेलवे ट्रैक्स पर मारे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस अननेचुरल एक्सीडेंटल डेथ की फाइल्स में क्लासिफाई होते हैं। कई लाशें लावारिस बनकर पड़ी रहती हैं, जिनका रेलवे द्वारा क्रियाक्रम कर दिया जाता है। कभी कभार, जैसे कि इस केस में, मर्डर को एक्सीडेंट का रंग देकर उस संगीन जुर्म को एक्सीडेंट फाइल्स में छुपा दिया जाता है। गुजरते वक्त के साथ साथ ये साफ होता गया कि विजय कोटियन का केस क्लियर कट मर्डर केस था, और 2010 की फाइलों में से भी हमें विजय कोटियन के केस से काफी मिलता जुलता केस मिलने वाला था, और उसमें भी शायद मर्डर को एक्सीडेंट का लिबास पहना दिया गया था। और ये केस था विजय के बड़े भाई। सर, 2010 के 68 केसेस में से ये केस ऐसा है जिस पर डाउट जा रहा है। ये सितंबर 2010 का है। और सर, इस केस में भी बॉडी ज्यों की त्यों है, सिर्फ सर ट्रेन के नीचे आके कुचल गया है, बिल्कुल विजय कोटियन के केस की तरह। और सर, ये 2010 वाला केस भी अरुणापुरम और हिमगुड़ी के बीच वाले ट्रैक पर ही हुआ था। विजय की बॉडी भी इसी ट्रैक पर मिली थी। अब शायद हम एक नहीं, दो दो मर्डर केसेस का सामना कर रहे हैं। नीलेश कोटियन और विजय कोटियन, इन दोनों भाइयों के 5 साल की गैप। हो सकता है दोनों का कातिल सेम हो। असल मोडस ऑपरेंडी तो सेम है ही। ये मोडस ऑपरेंडी, ये इस तरह लोगों को मौत के घाट उतारने का तरीका, शायद उन चार हत्यारों ने कुछ और लोगों पे भी अपनाया होगा। सर, मैं नीलेश और विजय के पेरेंट्स को नीलेश की फोटो दिखाता हूँ। हालांकि ऐसी हालत में उनके लिए पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद नीलेश के कपड़ों से पहचान जाए। दिमाग पे जरा सा जोर देकर याद करने की कोशिश कीजिए कि आपका बेटा नीलेश सितंबर के महीने में गायब हुआ था, 2010 में। वो जब आखिरी बार घर से बाहर निकला था तो क्या वो इसी रंग के कपड़े पहनकर निकला था? हरी जी, पार्वती जी, क्या ऐसा कोई भी है जो हमें नीलेश के बारे में और जानकारी दे सकता है, जो उसके करीब था? उसके सबसे करीब तो हम ही थे, पर हम बूढ़े हो गए। 7 साल पुराना सब कुछ धुंधला सा हो गया। नीलेश को भी ऐसा ही मार डाला गया था, कौन थे वो लोग? पार्वती जी, हमें पक्का तो नहीं मालूम, हाँ, लेकिन जिस तरह से विजय का कत्ल कर दिया गया था रेलवे ट्रैक पर सुलाकर, ठीक उसी तरह से इस आदमी का भी कत्ल कर दिया गया था। अब हमें ये लग रहा है कि सितंबर 2010 की ये लाश आपके बड़े बेटे नीलेश की थी। अच्छा, क्या आप लोगों की कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी है जिसके चलते आपके दोनों जवान बेटों को गायब करके मार डाला गया? हम गरीबों का कैसा खानदान, कैसे दुश्मनी? हम खाली पेट उठते हैं, अपना खून चलाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी जाके चार चावल पेट में गिरता है। हमारे औकात है क्या किसी से लड़ने की या झगड़ने की? सॉरी मैडम, थोड़ा टाइम लगे हमारे होटल की कंस्ट्रक्शन कंपनी तक पहुंचने में, लेकिन लेबर सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट हो गया। थैंक यू पराग जी, प्लीज इस सुपरवाइजर का नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए तुरंत। जी मैडम, मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ। नाम क्या है इस लेबर सुपरवाइजर का? लेबर सुपरवाइजर का नाम है गिरीश किनी। हेलो, हेलो, आप कौन बोल रहा है? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंजलि शेट्टी बोल रही हूँ, क्राइम ब्रांच से। क्या बात है मैडम? गिरीश, 2010 में हाईवे पर होटल मीनाक्षी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पे तुम्हारा एक लेबर काम कर रहा था, नीलेश कोटियान। नीलेश कोटियान, वो मागेली वाला? नहीं, ये देख के तो नहीं बता सकता कि ये नीलेश कोटियान है। मतलब वैसे भी 7 साल हो गए, सैकड़ों मजदूर आए गए, और उसमें इसका चेहरा भी तो। गिरीश, ये मर्डर केस है। जिस तरह नीलेश के छोटे भाई विजय का मर्डर हुआ 2015 में, उसी तरह 2010 में खुद नीलेश के भी मर्डर होने की संभावना है। छोटे मजदूर आदमी का कत्ल करके किसको क्या मिलने वाला है? वही तो हम जानना चाहते हैं गिरीश। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें डाउट है जिस तरह से इन दो भाइयों को मार दिया गया रेलवे ट्रैक पर लिटाकर, उसी तरह से उन लोगों ने और भी कई लोगों को मारा हो सकता है। अच्छा गिरीश, एक बात बताओ, ये जो मीनाक्षी होटल का कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पे नीलेश काम करता था, क्या वहां पे इसका कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिसमें उसका छोटा भाई विजय भी शामिल हो? नहीं मैडम, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। ये नीलेश एकदम सीधा साधा गाय आदमी था मैडम। हाँ, जब ये गायब हो गया तो उसके बाद वो कविता आती थी इसके बारे में पूछने के लिए। कौन है ये कविता? गिरीश अन्ना। हाँ। नीलेश आज भी नहीं आया काम पर। तो मैं क्या करूँ? दो दिन हो गए,
आपको बता के गया तो छुट्टी क्यों ले रहे हैं? मेरे को बोला होता तो सुबह तुमने जब पूछा तभी बता देता ना। पांचवी बार पूछने से का अलग जवाब दूंगा मैं। गिरीश एक कविता भी कहाँ मिलेगी? जब वो आखिरी बार पूछने आई नीलेश के बारे में उसी दिन से ये कविता भी गायब हो गई। ये हो क्या रहा है गिरीश? कविता भी उसी दिन गायब हो गई? अगर कोई बिना बताए काम पे आ ही नहीं रहा है तो मेरे लिए तो गायब ही हो गया ना। तुम्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हारे ही साइड से दो लोग ऐसे अचानक गायब हो गए जिसमें से एक औरत थी? तुम पुलिस कंप्लेन करवा सकते थे। मैडम 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 ये लोग मजदूर लोग हैं मैडम, और इनके लिए ना अचानक बिना बोले काम छोड़कर चले जाना या कुछ दिन के बाद वापस काम मांगने के लिए आना ये आम बात है। अच्छा ये बताओ गिरीश, ये कविता के बारे में हमें कहाँ से पता चल सकता है? ये वो माघी अली है ना, वहाँ की चित्रपुरी करके बसती है, वहां से आती थी ये कविता। और हाँ महाराष्ट्रीयन थी। कोई फोटो वोटो नंबर है तुम्हारे पास उसका? अभी फोटो वोटो कहा मैडम। सर कहीं विजय और नीलेश की तरह ये कविता भी मारी तो नहीं गई? ये चंद्र भिखारी हमारी झोली में क्या डाल गया, किसी कत्ल की टिप या कत्लों का पिटारा? सर ये कोई रिले रेस जैसा होता जा रहा है। एक मिसिंग कंप्लेन दूसरे की तरफ इशारा कर रही है और एक मर्डर केस दूसरे मर्डर को दस्तक दे रहा है। सर आई थिंक हमें इस कविता को चित्रापुरी बस्ती में ढूंढना चाहिए, शायद वो हमें नीलेश के केस के बारे में कोई लीड दे पाए और नीलेश का केस शायद विजय के हथियारों तक हमें पहुंचा दे। रतन राव, रोमका प्रसाद, ये कहां दौड़ रहे हैं इस वक्त? सर्च जारी है सर, कबड़ियों का महागठबंधन काम पर लगा हुआ है। ऑपरेशन कविता, लेकिन ध्यान रहे इस रिले रेस में वो बैठन वो कड़ी हमारे हाथ में आनी चाहिए जो हमें इन केसेस की तय तक लेकर जाए। ऐसा ना हो कि हर खिलाड़ी अलग अलग दौड़ रहा है, कोई ट्रैक में कोई स्टेडियम में, बस एक ऐसी कड़ी मिल जाए जो इन सारे केसेस को आपस में जोड़ दे, मर्डर और मिसिंग केसेस को। पता नहीं इस रेलवे ट्रैक पर और कितनी लाशें बिछाई गई होंगी। कविता को जानती हैं आप? किसी कविता को जानती हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है कविता, महाराष्ट्र ने। हाँ कविता, हाँ हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ कविता को। पूरा नाम क्या है इस कविता का? शादी के पहले था कविता मोरे और शादी के बाद हो गया कविता मालगी। अच्छा तो उसका पति भी है, कहाँ रहता है वो? आपको मालूम नहीं? अरे 2009 में उसका पति अचानक गायब हो गया। गायब हो गया कहाँ? यहीं चित्रापुरी से। हाँ अरे एक नंबर का बेवड़ा था, एक दिन गया बार में दारू पीने और अचानक से गायब हो गया। पूरा नाम क्या था इसके पति का? दयानंद, दयानंद मालगी। मैडम यही हमारे साथ साइट पे मजदूरी करता था। अरे कविता पे इतना हाथ साफ करता था, जानवरों जैसा मारता था। पर पुलिस में किसी ने इस मारपीट की कंप्लेन तो नहीं कराई होगी? अरे पति पत्नी के झगड़े में कोई पुलिस को लाता है क्या? और यही सोचकर पता नहीं कितनी सारी औरतें अपनी जान गंवा बैठती। खैर गौरी जी मुझे ये कविता चाहिए, कहाँ मिलेगी? क्या मैडम, अरे उसका पति दयानंद गायब होने के बाद कुछ एक साल बाद कविता भी यहाँ से चली गई। कोई तो होगा ऐसा बस्ती में जिसके साथ उसने वास्ता रखा। हाँ हाँ कविता की एक खास दोस्त थी नफीसा। नफीसा वो है या वो भी गायब? अरे नहीं नहीं मैडम अभी तक तो है, मतलब यहाँ चित्रपुरी में नहीं, यही बाजू में माघी हल्ली है ना वो बस्ती में रहती है। अरे पिछले हफ्ते मैं गई थी ना बाजार में, वहाँ दिखी थी मेरी। आपके पास नंबर है उसका? नंबर नहीं। आज के बाद आप रोज माघी हल्ली जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप नफीसा का इंतजार करेंगे। जैसे ही आपको नफीसा दिखती है आप तुरंत उससे हमारा कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है मैडम। अबे साले जीतू, एक टिप क्या ले आया चंद्रू भिखारी की, हमें पूरे क्राइम ब्रांच की छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी लेकिन एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। हाथ में था सर, ये रतन राव हमारे हाथ में था लेकिन फुर हो गया। फुर हो गया मतलब कहाँ से फुर हो गया? दो महीने पहले से ये आर के मार्ग पुलिस थाने में बंद था ये रतन राव, परसों जमानत हुई है और निकल गया यहाँ से। चार्ज क्या लगा था इस रतन पर? फुल मर्डर का। मतलब ये हिस्ट्री शीटर है? ये साला जेल में बैठा था और हम लोग इसे पागलों की तरह बाहर ढूंढ रहे थे। सर अभी डबल शॉक के लिए रेडी हो जाओ, इस रतन राव के साथ में दूसरा बंदा था ना ओमकार प्रसाद, वो भी हिस्ट्री शीटर है क्या? एकदम, इस रतन के साथ इसी मर्डर केस में अंदर था और इस ओमकार की अभी 3 हफ्ते पहले ही जमानत हुई है। ये तो हद ही हो गई,
हमें कैसे पता नहीं चला कि हमारे जो दो प्राइम सस्पेक्ट हैं, वो दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं और मर्डर केस में अंदर रहते हैं। अब तो पक्का लग रहा है कि नीलेश और विजय को इन दोनों ने ठिकाने लगा है। और कविता का पति दयानंद मालवीय जो 2009 से गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी अननेचुरल एक्सीडेंट केस की फाइल बनी हो पर असलियत में उसका भी मर्डर हुआ। इस हिमांगी को तोड़ते हैं सर, ये कब से खामोश बैठी तमाशा दिख रही थी। इसने एक बार भी मुंह नहीं खोला कि इसके पति विजय के दोनों खास दोस्त ओमकार प्रसाद और रतन राव ये दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय और नीलेश इन दोनों की आपस में कोई अनबन कोई तूतू मैं हो गई हो? शायद इस विजय ने अपने बड़े भाई नीलेश को मरवा दिया हो पहले और फिर बाद में किसी और ने विजय को मरवा दिया हो। ऐसा कुछ नहीं मैडम, मैंने सबसे पहले विजय और नीलेश इन दोनों की दुश्मनी का ट्रैक सबसे पहले खंगाला था। तेरा अच्छी तरह से ना और अच्छे से होना चाहिए जीतू, ओमकार और रतन इन दोनों के केस में भी तूने अच्छी तरह से टटोला था। मिस्टेक हो गई मैडम, काम बिल्कुल भी पक्का नहीं हुआ जीतू, काम पक्का होना चाहिए इस बार। इंसान हो साहब, गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा। ये पद्माकर और कार्तिक वो भी तो ओमकार और रतन को सालों से जानते हैं और उन्हें भी इनकी हिस्ट्री पता नहीं। शिव सर, मैडम आपकी फ्रेंड गौरी ने बोला मुझे आपको फोन करने को। तुम नफीसा बोल रही हो? जी मैडम, नफीसा शेख है मेरा नाम। कविता मलगी उर्फ कविता मोरे को ढूंढ रहे हम, तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी ना? कविता तो अभी भी दोस्त है मेरी। रहती कहाँ है कविता? सोलापुर में। सोलापुर में, वहीं की तो है वो। जब उसका शौहर दयानंद गायब हुआ फिर नीलेश भी, तो कविता लौट गई सोलापुर। कविता को बोलूं क्या आपको फोन करने के लिए? नहीं नहीं नफीसा, तुम एक काम करो, फिलहाल तुम मुझे कविता का फोन नंबर दे दो। पर बात क्या है? तुम यहाँ क्राइम ब्रांच में आकर मुझसे मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, पर पहले तुम मुझे कविता का फोन नंबर दे दो। पता भी है उसके घर का? फोन करने की तो सोचना भी मत इस कविता को। एक टीम लो और सीधा सोलापुर पहुंचो इसके एड्रेस पर और उठा लो इस कविता को। राइट सर। सर मैं आर के मान पुलिस थाना से बात करता हूँ, ये ओमकार और रतन जिस मर्डर केस में अंदर हुए थे उस केस को स्टडी करता हूँ, हो सकता है इन दोनों के बारे में कोई लीड मिले। सारे केसेस को अपनी समझ और पकड़ में रखना होगा, और जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे थे उनकी तो बैंड बजानी है। इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा तिनका कई डूबे हुए केसेस को बाहर उभार लाया था, हमारी तहकीकात की नैया को आगे बढ़ा पाया था, पर किनारा अभी बहुत दूर था। हमें एक से एक पेचीदा बवंडरों का सामना करना था। सोलापुर पहुंचते पहुंचते ये सवाल पूरी टीम के जहन में डुबकियां लगा रहा था, क्या हम कविता तक पहुंच पाएंगे? विजय को मैंने मरवाया था? मैंने? मार तो हर रोज मैं खाती थी साहब। शायद यही वजह थी मरवाने की। विजय के बिना कैसी जिंदगी बिताई है मैंने, आप क्या समझेंगे? बेटी मानसी के साथ साथ उसके माँ बाप को भी मैं ही संभाल रही हूँ, पांच पांच घरों में काम करती हूँ, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों फरार हैं, मर्डर केस में दोनों जमानत पर थे, पर तुमने क्यों नहीं की, हमें पता तक नहीं लगने दिए। मुझे भी आज ही पता चला है, और ओमकार और रतन जेल जा चुके हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और वो तो विजय के अच्छे दोस्त थे, कितनी मदद की थी उन्होंने मेरी विजय को ढूंढने में। सब नाटक जो 1.5 साल तक अच्छी तरह चला, पूरे चांसेस हैं कि रतन राव और ओमकार प्रसाद ने विजय को या फिर नीलेश दोनों का मर्डर किया, बाकी दो कौन थे? मुझे कैसे पता होगा साहब? क्योंकि शायद तुम पांचवी हो। ओमकार यहीं मागी हली में था जब हम विजय के कत्ल की पूछताछ के लिए तुम तक पहुंचे, तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया और वो फरार हो गए। सखम पे नमक मत रगड़ो साहब, मेरी छोटी बच्ची है, अभी तक मैंने उम्मीद नहीं हारी थी, हर रोज राह देखती थी, आज आएगा विजय, कल आएगा विजय, और रतन और ओमकार के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, और अगर वाकई में उन्होंने विजय का खून किया है तो सबसे पहले मुझे पूछना है क्यों। रतन राव और ओमकार प्रसाद 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे निखिल बारगी नाम के एक आदमी के मर्डर में।
अव्वल तुमने फोन पर कहा था कि मर्डर का मास्टरमाइंड अभी तक तुम्हारी कस्टडी में है। संदीप दीक्षित नाम है उसका। संदीप को अभी तक बेल नहीं मिली और इस संदीप का विक्टिम निखिल बारगी की वाइफ स्मृति बारगी के साथ अफेयर चल रहा था। संदीप और स्मृति ने मिलकर साजिश रची थी निखिल के मर्डर की। इन्होंने इस कत्ल को चोरी का एंगल देने की कोशिश की थी लेकिन हमें दाल में कुछ काला लगा। निखिल की पत्नी स्मृति साफ साफ हमारी मुख्य संदिग्ध थी और वो कन्फेस भी कर गई थी कि उसने अपने प्रेमी संदीप के साथ मिलकर निखिल का मर्डर करवाया। संदीप को तोड़ा तो उसने खुलासा किया कि उसने रतन राव और ओमकार प्रसाद को सुपारी दी थी निखिल बारगी के खात्मे के लिए। हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला कि आप लोग रतन राव की तलाश में। धवल मुझे संदीप से क्वेश्चन करनी है। सब कुछ तो बता चुका हूं कोर्ट में। फिर से बोल संदीप। सुपारी मैंने रतन राव को दी थी। ओमकार प्रसाद को रतन ही लाया था। ये रतन कहां से मिला? पुरानी पहचान थी। नंबर था रतन का। मालूम था कि पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा। इससे पहले भी कर चुका है। किसका मर्डर किया पहले रतन ने? इन दोनों का? मुझे नहीं पता रतन ने पहले किस किस को मारा और क्यों। ये रतन राव कहां मिलेगा अभी? फोन स्विच ऑफ है उसका। संदीप कुछ छिपा मत, बोल दे। मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि रतन आपको कहां मिलेगा। आपको वही मिला ना वो। अब उसका और कोई ठिकाना है तो मुझे नहीं मालूम। कोई और जानकारी है उसके बारे में जो हमारे काम आ सके? रतन और ओमकार के साथ एक और बंदा आने वाला था। ओमकार लाने वाला था उसे। कार्तिक गिरी करके बंदा था। तो पहले क्यों नहीं बताया इस कार्तिक गिरी के बारे में? वो काम के लिए आया ही नहीं तभी तो नहीं बताया। ये कार्तिक गिरी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला मजदूर है क्या? पता नहीं साहब। वो तो रतन मुझसे बोला था कि मर्डर के लिए और दो आदमी उसके साथ आएंगे। ओमकार को तो मैं मर्डर की रात को मिला। वो ओमकार से पता चला कि कोई कार्तिक भी आने वाला था पर नहीं आ पाया। सर एक बैड न्यूज है, अभी कार्तिक गिरी यहाँ से गायब हो गया। ये हो क्या रहा है जी? तो इस केस में लोग गायब होते हैं फिर मरे हुए पाए जाते हैं और जिन लोगों की लीड हमको मिलती है वो लोग भी गायब हो जाते हैं। सर यही सारी चीजों से मेरा दिमाग का दही हो रहा है। लेकिन सर वो उस कार्तिक के साथ में जो दूसरा बंदा था ना पद्माकर, वो अभी भी यही है। अभी अभी मेरी उससे बात हुई। कार्तिक तो मेरा सिर्फ दोस्त है, वो भी यहाँ काम पे। बाकी टाइम वो क्या करता है क्या नहीं कैसे पता चलेगा? जब मैंने तुझसे और कार्तिक से पहले बात की तो तूने क्या बोला था कि तू ओमकार प्रसाद, रतन राव, नीलेश और विजय कोटियान इन सबको जानता है। अरे एक साथ मिट्टी उठाते थे हम। लेकिन तुझे कभी यही पता नहीं चला कि वो किस मिट्टी से बने। ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों हिस्ट्री चीटर हैं। ये लोगों की कुंडलियां निकलवाना तुम खबरियों का काम, हम मजदूरों का नहीं। तू एक काम कर, हमारे सुपरवाइजर रामटेक अन्ना के पास जा और उसका सर खा। ये बात तो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि कोई विजय और नीलेश जैसे गरीब मजदूरों का मर्डर वर्डर क्यों करेगा। दूसरी बात, वो कार्तिक दो दिन से काम पे नहीं आया। अब इतनी सी बात से मेरी ट्यूबलाइट कैसे जलेगी कि ये कार्तिक भी उस ओमकार की तरह पुलिस से बचता भाग रहा होगा। सर मैं इस कार्तिक के घर पर होके आया, ताला लगा है वहाँ पर। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो बोरिया बिस्तर लेकर गायब हो गया। 2015 में दिवाली का टाइम 9 नवंबर को तेरे चंद्रू भिखारी ने चार लोगों को विजय को पटरी पर लेटाते हुए देखा था। उन चारों में से तीन ये हो सकते हैं, ओमकार प्रसाद, रतन राव और ये कार्तिक गिरी। हमें इन तक पहुंचना है, इनको पकड़ना है जीतू। इन तीनों के पीछे मेरी पूरी फौज पड़ी। सर मैंने उस कविता के बारे में बताया था ना आपको, तो नीलेश के गायब होने के बाद बार बार उसे पूछने आती थी 2010 में। वो जिसका पति दयानंद 2009 में गायब हुआ था। जी सर भाई, मुझे लगता है इस कविता का इस केस के साथ जरूर कुछ लेना देना सर, क्योंकि नीलेश के गायब होने के बाद वो भी गायब हो गई थी यहाँ से। काम करो जाके चुपके से पड़ोसी से पता करो ये कविता कहाँ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी दोस्त नफीसा ने उसको पहले से वॉर्न कर दिया? नहीं साहब, आपकी वो अंजलि मैडम ने कविता को कुछ बताने के लिए मना किया था तो फोन तक नहीं किया मैंने कविता को। कविता का नीलेश कोटियान के साथ कोई रिश्ता था? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि नीलेश कविता के साथ काम करता था। 2010 में नीलेश गायब हुआ और 2015 में नीलेश का छोटा भाई विजय। पूरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का कत्ल हुआ। ये कत्ल वत्ल तो मैं नहीं जानती,
पर कविता 2007 में सोलापुर से मांगी हल्ली आई, पर मेरी उससे दोस्ती 2008 में हुई जब मेरा पड़ोसी दयानंद मालगी उसे ब्याह कर लेकर आया चित्रापुर बस्ती में जहां मैं पहले रहती थी। और दयानंद मालगी गायब हुआ 2009 में, तो हो सकता है दयानंद मालगी का भी मर्डर हुआ वैसे ही जैसे शायद नीलेश और विजय का हुआ। सर ये फरवरी 2009 का है, क्या माजरा है? इतने सारे एक्सीडेंट केसेस मर्डर बन के निकल रहे हैं। 2015 का केस हमें 2010 में लेकर गए और 2010 का केस हमें 2009 में लेकर गए। क्राइम ब्रांच को शक है कि 2009 में किसी शख्स दयानंद मालगी को ट्रैक पर लिटा के मर्डर किया गया हो सकता है। नफीसा, जब दयानंद मालगी गायब हुआ तो उसकी पत्नी कविता ने कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई, क्यों? घर आई चमकती तकदीर को कौन ठुकराएगा साहब। मतलब 2008 में मेरा पड़ोसी दयानंद मालगी कविता को ब्याह कर लाया, पर सच कहूं साहब उसकी औकात ही नहीं थी कि उसकी कोई औरत हो। पहले शराब पीता था, फिर कविता का खून, कभी कभी तो ऐसी हालत कर देता था कि कविता काम पर भी नहीं जा पाती थी। भाग जा कविता, छोड़ दे दयानंद को, तोड़ दे ये शादी। कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ नफीसा दी, पर हिम्मत ही नहीं होती। अगर हिम्मत होती तो उस दयानंद से कभी शादी नहीं करती, पर आई को ना बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब भी देर नहीं हुई है, 6 ही महीने तो हुए हैं तेरी शादी को, उसमें ये हाल है। पता नहीं आगे दयानंद तेरे साथ क्या करेगा। कविता मुझे तेरी फिक्र है, इसीलिए कह रही हूँ, कब तक चलेगा ऐसा? पता नहीं नफीसा दी, कोई इतना जानवर कैसे हो सकता है। मेरी रूह कांप उठती है जब रात को वो दरवाजा खटखटाता है। वो मैं आपके लिए रोटी बना रही थी इसलिए दरवाजा खोलने में देरी हो गई। कहाँ लगा? चल उसके वैश्यपन को सह नहीं पा रही थी कविता, लेकिन भागकर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी वो। 1 साल ये सब सहते सहते जिंदा लाश बन गई थी वो साहब। वो तो कविता की तकदीर अच्छी थी कि एक रात दयानंद लौटा ही नहीं और उस दरवाजे पर दहशत वाली दस्तक रुक गई। नफीसा दी 3 दिन हो गए हैं। सब जगह पूछा? दयानंद जिस दारू के अड्डे पर पीता था वहां गई? सब लोगों का यही कहना है कि उन्हें नहीं पता। कविता तू खुश है या दुखी है दयानंद के ना लौटने से? इसीलिए कविता ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, इस डर से कि कहीं पुलिस दयानंद को ढूंढकर वापस ना ले आए। जी साहब, दयानंद के गायब होने से कविता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई रोज नोचे घसोटे तो कौन रहना चाहेगा उसके साथ। दयानंद के ना लौटने से कविता का दर्द थोड़ा कम हो गया था। दर्द कम हुआ या दर्द कम किया गया? सच बताओ नफीसा, क्या दयानंद को कविता ने मरवाया? नहीं साहब, कविता में ये सब सोचने की बिल्कुल ताकत ही नहीं थी। अगर कविता को दयानंद को छोड़कर जाना ही होता तो कब का छोड़ देती। शादी के 3 महीने बाद उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, हब्बा का पहले ही हो चुका था, फिर वो दयानंद की मार क्यों सहती साहब? कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बसा ना लेती? पर अब तक तो वो अंदर से पूरी तरह मुरझा चुकी थी। और फिर नीलेश आया माली बनकर पानी से सींच कर इस मुरझाई हुई कविता को खिलाने के लिए। कविता और नीलेश एक ही जगह मजदूरी करते थे, शायद उन दोनों में दोस्ती हो गई हो। और शादी के बाद पहली बार खुश देख रही थी मैं कविता को। नीलेश से तेरी अच्छी जमती है, शादी कर लेना, तुझे भी सहारा रहेगा और नीलेश को भी। नहीं नफीसा जी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, ये जो है जैसा है अच्छा है। शादी इंसान को जानवर और जानवर को हैवान बना देती है। चुप कर, कुछ भी मत बोल। एक दयानंद ऐसा निकला तो क्या हर कोई? जिंदगी भी तो एक बार मिलती है नफीसा जी, और इज्जत भी एक ही बार उछलती है कविता।
मोहल्ले वाले देखेंगे नीलेश तेरे घर रोज आता है, टाइम नहीं लगेगा मोहल्ले वालों को कुछ चार बातें बनाने में और उसे फैलाने में। भाड़ में जाए मोहल्ले वाले, मोहल्ले वालों को मेरा चबा हुआ चेहरा नहीं दिखता था जब रोज रात को दयानंद मुझ पर टूट पड़ता था या मेरी चीखें नहीं सुनाई देती थी उन्हें। तो आगे क्या सोचा है? अभी के लिए इतना ही काफी है कि मैं खुश हूं और नीलेश भी। हमें एक दूसरे का साथ पसंद है, काम का बोझ जैसे महसूस ही नहीं होता और वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वो घर आता है तब भी बहुत अच्छा लगता है, इंसान है वो, अच्छा इंसान। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही नाजुक धागे से बंधे हैं, अगर धागा ज़्यादा कस लिया तो या तो धागा टूट जाएगा या गले का फंदा बन जाएगा। पर कभी ना कभी तो इस रिश्ते को नाम देना ही होगा ना। और जब नीलेश गायब हुआ कविता इस कदर टूटी कि उसने हमेशा के लिए लौट जाने का फैसला किया। सोलापुर में भी कोई खास अपना था नहीं, अकेली रहती है, फिर से एक जिंदा लाश की तरह समझो। क्या है नीलेश? मुझे नहीं पता साहब, कविता ने कभी मुझे नीलेश से मिलवाया नहीं, बस नाम सुना है उसका। तुम जितने लोग भी इस केस में शामिल हो ना, सब में एक बात कॉमन है, तुम सब लोग एक दूसरे के करीब तो हो पर कोई भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता, या फिर बहुत कुछ जानकर भी सब अनजान बने बैठे। पड़ोसियों ने आज सुबह तक कविता मोरे को देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं आज ही गायब होने का प्रोग्राम बनाया उसने? मैंने पीसीओ से ब्लैंक कॉल भी किया था कविता मोरे को, उसने फोन आंसर किया था। अगर वो भाग गई होती तो फोन स्विच ऑफ कर दिया होता। कविता मोरे जी, हम तुम्हें लेने आए हैं कविता, क्राइम ब्रांच से। पर क्यों? ये तो नीलेश है। सितंबर 2010 में ये गायब हुआ था जी, 17 सितंबर को। 18 सितंबर 2010 को अरुणापुरम और हिमगुड़ी रेलवे स्टेशन ट्रैक पर ये लाश मिली थी। नीलेश उसी दिन मर गया था? नहीं कविता, मार दिया गया था। कविता, रोज रोज क्यों झेलती है उस जानवर को, छोड़ क्यों नहीं देती उस दयानंद? कविता, अब तो दयानंद तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर से गायब है। मुझे ऐसी तस्वीर ना फिर से बनानी और ना ही देखनी है, बहुत डरावनी होती है शादी की तस्वीर। मतलब तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है नीलेश, पर धोखे और दर्द पे ज्यादा भरोसा है और अब दर्द झेलने की ताकत नहीं है मुझ में। हाइट एक जैसी लगती है लेकिन होती अलग अलग है, वैसे ही मर्दों का भी है। नीलेश बात पूछो। हाँ पूछो। दयानंद के साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो? कविता तुम कहना क्या चाहती हो? दयानंद को मैंने गायब करवाया है? नीलेश मैं मान ही नहीं पा रही हूँ कि दयानंद जैसा इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे कैसे जा सकता है। तुम चुप क्यों हो नीलेश? इस बार हम 2009 के एक्सीडेंट केसेस में सीधे सीधे मर्डर केस ढूंढ रहे थे, एक ऐसा केस जहां जिंदा आदमी को या उसकी लाश को रेल की पटरी पर इस कदर लटाया गया हो जिससे वो एक एक्सीडेंट केस लगे। और हम चौंक गए जब हमारी सोची गई मोडस ऑपरेंडी द
दरअसल एक असलियत साबित हो। मर्डर को एक्सीडेंट बनाने का यह तरीका बाकायदा अपनाया गया, जैसे 2010 में नीलेश का और 2015 में नीलेश के छोटे भाई विजय कौटियन का। पूरे चांसेस हैं सर, क्योंकि तीनों ही केसेस में बॉडीज अरुणापुरम और हिमगुड़ी के बीच के ट्रैक पर ही मिली थी। लेकिन एक बात खटक रही है सर, तीनों ही केसेस में अलग अलग जीआरपी ऑफिसर्स थे। तीनों ही केसेस में बॉडीज को ट्रैक पर इस तरह से प्लेस किया गया ताकि उनके चेहरे बिगड़ जाएं। ऊपर से ये तीनों विक्टिम्स ड्रंक थे सर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों में से किसी भी केस में पोस्टमार्टम के बाद भी इस मोडस ऑपरेंडी को क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया। शायद इसलिए क्योंकि तीनों ही केसेस को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं किया गया। अक्सर लोग नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर चलते हुए इसी तरह मारे जाते हैं, इसलिए शायद तीनों मर्डर्स को एक्सीडेंट केसेस मान लिया गया। और ऊपर से तीनों वारदातें अलग अलग वक्त पे हुई, 2009, 2010 और 2015। शायद इसलिए पैटर्न किसी की पकड़ में नहीं है। अंजलि कविता को लेकर आ रही है सर। इस कविता की ग्रिलिंग करते हैं तगड़े, वही एक लिंक है इस दयानंद मालवीय और नीलेश कोटियान के बीच। ये मेरे पति दयानंद मालगी हैं। 14 जुलाई 2009, तारीख सही है? जी, हम दोनों पूरा दिन साइट पर काम कर रहे थे। शाम को मैं घर चली गई और रोज की तरह पीने चले गए और फिर रात भर घर नहीं आए। ये नीलेश तुम्हारी जिंदगी में दयानंद के जाने के बाद आया या उसकी मौजूदगी में? मौजूदगी में, पर जैसा आप समझ रहे हो ऐसा नहीं था। नीलेश तब सिर्फ मेरा दोस्त था और उससे मेरी हालत देखी नहीं जाती थी। कविता, हम 2015 से उल्टे पैर चलते आ रहे, विजय कोटियान से 2010 में विजय के बड़े भाई नीलेश कोटियान था, और फिर एक साल पीछे 2009 दयानंद मालगी था। लेकिन तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। तुम्हारे रास्ते का कांटा दयानंद था, कैसे निकालो उस कांटे को? नीलेश ने। और नीलेश को किसने मारा? और 5 साल बाद नीलेश के छोटे भाई विजय को किसने मारा और क्यों मारा? कविता, एक के बाद एक तीन मर्दों की लाशें बिछाई गई। क्या ये तीनों तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थे? क्या ये तीनों तुम्हारे प्रेमी थे? विजय को तो मैं जानती तक नहीं थी, कभी नहीं मिली थी उससे, बस उसके बारे में सुना था नीलेश से, और आज पता चला कि वो भी मर गया। ठीक है कविता, तुमने विजय को नहीं मरवाया, पर दयानंद को? क्या नीलेश ने तुम्हारे कहने पर दयानंद को मार दिया या फिर तुम्हारे पीठ पीछे, ताकि वो दयानंद को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर पाए और खुद उसकी जगह ले पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो खुद नीलेश पर शक था, इसलिए मैंने उससे कई दफा पूछा, पर हर बार वो यही बोलता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ओमकार प्रसाद, रतन राव, कार्तिक गिरी, ये तीनों कंस्ट्रक्शन साइट के कामगार और पेशेवर हत्यारे भी ये तीनों मर्डर्स में शामिल हो सकते हैं। तुम इन तीनों को जानती हो? नहीं साहब, मैं ये रतन, ओमकार वगैरह को नहीं जानती, कार्तिक को जानती हूँ और उससे दयानंद के बारे में पूछा भी था मैंने। कार्तिक, तुमने दयानंद को देखा क्या? वो 4 दिन से घर नहीं आया है। हाँ, मैंने भी कई दिनों से दयानंद को यहाँ पर नहीं देखा है, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उस दयानंद के आई बाबा से भी पूछा, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। तुम फिजूल में अपना दिल जला रही हो, जबकि दयानंद का दिल किसी और औरत के लिए जलता है। मतलब वो उसके साथ भाग गया क्या? हो सकता है। वैसे मुझे उन दोनों के लफड़े के बारे में पहले से पता था, पर अब उनका निजी मामला में दखल देने वाला कौन होता हूँ? और कविता, समझने की कोशिश करो, दयानंद तुम्हें छोड़ के जा चुका है, अब उसका इंतजार करना महज एक बेवकूफ़ी है। सच कहूँ साहब, मुझे दुख महसूस नहीं हुआ था, बल्कि एक तरीके से सुकून ही मिला था दयानंद के जाने से। बस छोटी सी दुआ निकली दिल से कि उस औरत को दयानंद का प्यार मिले जो मुझे कभी नहीं मिला था। अगर तुम्हें दयानंद के जाने से इतनी राहत मिली थी और तुम उस औरत को इतनी दुआएं दे रही थी, तो तुम्हें नीलेश पर शक क्यों हुआ? साफ शक इसलिए हुआ था क्योंकि दयानंद जैसे जालिम इंसान को किसी औरत के साथ भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो चाहता तो मुझे घर से निकाल देता और उस औरत को घर ले आता,
और वो ये सब बहुत आसानी से कर सकता था, इसीलिए शक हुआ साहब कि वो गायब नहीं हुआ बल्कि गायब करवाया गया है। फिर भी तुम पुलिस के पास नहीं गई कविता? साहब कौन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है, दयानंद का मेरी जिंदगी से दूर चली जाना मेरे लिए अच्छी खबर थी। और कविता तुम्हारी ये अच्छी खबर खून में लिखी गई थी। 14 जुलाई 2009 तुम्हारा पति दयानंद घर वापस नहीं आया और 15 जुलाई 2009 को अरुणापुरम और हेमगुड़ी रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली। और कविता तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाशें भी बोलती, तुमने सिर्फ ये सोचा कि ओमकार रतन और कार्तिक अपने काम में माहिर है, तुमने उनसे ये काम करवाया। ये विजय क्यों मारा? ये सच नहीं है साहब, नीलेश के गायब होने के बाद 2010 में मैं मागी हल्ली छोड़कर सोलापुर चली गई थी। तो सोलापुर में बैठकर तुमने विजय का कत्ल करवाया, मोबाइल फोन को रिमोट कंट्रोल जैसे इस्तेमाल किया। विजय को क्यों मारा कविता? क्या उसे पता चल गया था कि नीलेश को तुम लोगों ने मरवाया? ओमकार प्रसाद, रतन राव और कार्तिक गिरी, इन तीनों के अलावा उनके साथ चौथा कौन था? सर, ये चंद्र भिखारी, उसने कहा था कि उसने लाश को ठिकाने लगाते हुए चार लोगों को देखा था, पिए हुए था। क्या पता उसने तीन आदमी और एक औरत को देखा हो। ये कविता मोरे उर्फ कविता मालगी। क्या जीतू, दो खंबा भी पी जाऊं तो आदमी को औरत थोड़ी ना बोलूंगा, और ये औरत तो साड़ी पहनी है, वो चारों आदमी ही थे। फटाफट काम कर दिया उन चारों ने, और पक्का उनमें औरत नहीं थी। सर, ये कविता के पूरे एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इसमें एक भी नंबर यहाँ मागी अली का नहीं है, सिवाय नफीसा के। हुए जुर्म का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने, और फिर भी किसने किया, क्यों किया, इसका एक भी स्केच हमारे पास नहीं। इन तीनों हत्यारों के लिए मैनहंट लॉन्च करो, इनमें से कोई एक भी या आधा भी हमारे हाथ लगा ना तो हमें इस केस का क्रैक मिल जाएगा। हमने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, रतन राव, ओमकार प्रसाद और कार्तिक गिरी, इन तीनों को ढूंढने के लिए। लेकिन वो चौथा शख्स कौन था, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था। हमने ऐसी हर लोकेशन को स्कैन किया जहां इन तीनों को पनाह मिल सकती थी। हर कंस्ट्रक्शन साइट हमारे रडार पर थी, कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई जहां से ये लोग फरार हो पाए। आखिरकार हम चौथे रहस्यमय हत्यारे तक पहुंचे जो विजय कोटियान के मर्डर में शामिल था, पद्माकर गौड़। उसे केवल इतनी भनक थी कि हम लोग उसके बाकी तीन साथियों की तलाश कर रहे हैं। पद्माकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस ट्रिपल मर्डर केस की जड़ को पकड़ लेंगे। पद्माकर के बारे में मैंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं उसके बारे में। क्या वो भी इस कांड में शामिल है? बस करिए नाटक। वैसे ही तुमने हमें बड़ी चालाकी से इस पद्माकर के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया पहले। ऐसा नहीं है। जैसा भी है, गड़े मुर्दे उखड़ चुके, अब सारे कंकाल सामने। इन हत्याओं में मेरा कोई हाथ नहीं था। एक बात और, मैं पद्माकर को पूरी तरह भुला चुकी हूँ, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आखिरकार ये केस तब क्रैक हुआ जब रतन राव हमारे हाथ आए। सबसे पहले हम रतन राव तक पहुंचे और उसके जरिए बाकी तीनों तक। बाकी जितने भी कत्ल किए हैं वो सब के सब बता दे रतन। 2015 और 2010 वाले मर्डर में मैं शामिल था, 2009 वाले में मैं शामिल नहीं था साहब। शुरू हो जा। सबसे पहले 2015, विजय कोटियान,
क्यों मारा तूने विजय कोटियान को? वो तो तेरा दोस्त था ना? दोस्त था वो मेरा, पर वो कार्तिक गड़बड़ किया। कैसी गड़बड़? एक दिन विजय के साथ दारू पी रहा था, तभी पता नहीं क्या बक दिया। दूसरे दिन विजय अपना प्लान लेके मुझे आके मिला साहब। क्या हुआ विजय? अभी तेरे को मेरे साथ मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। करना क्या वो तो बता विजय। तू मेरा दोस्त है ना? बोल, दोस्त है ना? ये भी कोई पूछने का बात है? काम क्या है? किसी को चांद से मारना है। इसको? उसने, जिसने मेरे नीलेश अन्ना को चांद से मार दिया। कार्तिक कल सब कुछ बताया मेरे को, 5 साल से मेरे से सब कुछ छुपा के रखा था वो। ए कार्तिक, क्या बोल रहे बे? और नहीं तो क्या विजय, तो कविता को लेकर उसके दिल में खंजर गड़ा है, खंजर। वो कविता भी उस पर मरती थी। छोड़ना है यार। क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना? मेरे को पता पड़ा था कि मेरा नीलेश अन्ना किसी कविता के लिए पागल है। वो कविता तो 5 साल पहले ही अपने गाँव लौट गए, और अभी तू बोल रहा है ए, तो पद्माकर ने मार डाला ना। अरे क्यों बाल की खाल निकाल रहा है, जाने देना। अरे निकालूंगा ना यार, बाल की खाल निकालूंगा मैं। तेरा नीलेश अन्ना 5 साल से घर नहीं लौटा। मेरे अम्मा अप्पा का हालत खराब है, उसका इंतजार में। और अभी तू बोल रहा है ए, बोल ना। वो पद्माकर ने मार डाला ना मेरे अन्ना को, क्योंकि वो जान छिड़कता था कविता पे, है ना? बोल ना। मैं नशे में कुछ भी स्टोरी बना रहा हूँ। तेरे ग्लास खाली है ना? लेना। अरे पक्का मालूम है मेरे को, उसने पद्माकर ने मेरे अन्ना को मार डाला, और दयानंद को भी उससे पहले पद्माकर ने मारा होगा। अरे क्या बोल रहा है विजय? सच बोल रहा हूँ मैं, एकदम सच। मैं तेरे से पूछता हूँ, तू साथ देगा ना मेरा उसको मारने में? मेरा साथ देगा ना पद्माकर को मारने में? उसके बाद ओमकार को भी साइड में लूंगा मैं। बोल, साथ देगा ना मेरा? साले कमीने, 5 साल के बाद उल्टी कर दिया ना। हाँ? यार पद्माकर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो बस नशे में बग दिया मैंने, भाई मुझे माफ कर दे। देख तेरे पैर पड़ता हूँ। क्या, क्या क्या बोला क्या तू उसको? ऐसा कुछ नहीं बोला यार पद्माकर, वो तो बस विजय मुझसे पूछ रहा था कि पद्माकर इतना दुखी दुखी क्यों रहता है, तो मैंने कह दिया कि कविता पे लट्टू था यार। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। यार वो जो सनकी विजय ना, वो 2 का 2 6 कर रहा है माँ का, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला पद्माकर। देख पद्माकर, ऐसा है कि अगर मैं और ओमकार साथ ना भी दे, मुकर जाए, तो भी विजय तेरे ऊपर हमला करेगा किसी को साथ में लेके, खून सवारी उसके सर पे। वो बदला लेना चाहता है अपने भाई नीलेश के मौत का। विजय ने उसी के साथ बदले का प्लान बनाया जिसने उसके भाई को मार डाला था, मतलब तुम्हारे साथ। तब तो विजय को सिर्फ इतना पता था कि पद्माकर ने नीलेश को मार डाला। अगर विजय को मालूम पड़ता कि हम तीनों भी इसमें शामिल है, जैसे कि मैं, ओमकार और कार्तिक, तो हमारे भी पीछे पड़ जाता। नीलेश को कैसे मारा तुम लोगों ने? कार्तिक को बोला नीलेश को पिलाने ले जाने को, और जब वो टाइट हुआ तब हम वहाँ पहुँचे। नीलेश, कविता से बात की तूने शादी के लिए? हाँ की, लेकिन ना वो हाँ बोल रही है ना ना। ऐसा क्यों? अरे उसका पति था ना दयानंद, जानवर था जानवर। अच्छा हुआ उसकी जिंदगी से निकल गया। दयानंद का दिया हुआ दर्द, उसका डर कविता के दिल से नहीं निकल रहा। अच्छा नीलेश, तुझे पता है कविता की जिंदगी से दयानंद को किसने बाहर निकाला? नहीं, तुझे पता है? कार्तिक, नवंबर 2015 को विजय को क्या कहकर बुलाया कि तुम लोग मिलकर पद्माकर को मारोगे? हाँ साहब, मैं विजय को बोला कि ओमकार पद्माकर को पिला के पूरा टून कर देगा, उसके बाद अपन वहां पहुंचेंगे और मार देंगे पद्माकर को। मैं किसी का खून करने जा रहा हूं। चल। हाँ चल विजय, अभी पद्माकर फुल टाइट हो गया होगा पी के, वो ओमकार ने खूब पिलाया होगा उसे।
मेरे नीलेश अन्ना को मारा तूने उस कविता के लिए ना? हाँ, हालांकि मारने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, जैसे कि तुझे भी मारने का दिल नहीं है, पर क्या कर, मजबूरी है। तूने मुंह नहीं फड़ा होता ना तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साले 5 साल बीत चुके थे यार, सब कुछ सेटल था, क्यों बोला तू? भाई माफ कर दे यार पद्माकर, दिल से माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई थी यार। जैसा कि आपको बोला साहब, नीलेश और विजय को हम चारों ने मिलकर मार डाला, पर 2009 वाले मर्डर में मैं शामिल नहीं था साहब। अभी कुछ टाइम पहले ये जो निखिल मार्गी का मर्डर किया तुम दोनों ने, ओमकार और तूने मिलकर, इसके अलावा और कितने सुपारियां ले चुके तुम दोनों आज तक? जो जो किया सब बता दिया, उसके अलावा कभी कुछ नहीं किया हमने। ईश्वर, इससे पहले कि पद्माकर गायब हो, उठाओ इसे। बाप रे, ये सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन ऐसा माजरा क्या हुआ था इनके बीच? हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं और पद्माकर प्यार में थे, लेकिन वो तब की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। पद्माकर आई नहीं मानेगी, उन्हें हमारी जात का लड़का ही चाहिए। कविता, हम दोनों एक ही जात के हैं, गरीब जात, और अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें ना तो जात बदल कर अमीर जात के हो सकते हैं। आई सुनेगी ही नहीं, उन्होंने दयानंद मालगी के माँ बाप को हाँ कर दिए। दयानंद? ये कौन? दयानंद के माँ बाप हमारी बस्ती में रहते, उन्हें मैं शादी के लिए पसंद आई तो उन्होंने आई से बात की। उन्होंने कहा शादी का पूरा खर्चा वही उठाएंगे और दहेज भी नहीं लेंगे, ऊपर से हम दोनों एक ही जात के हैं। आई ने पक्की कर दी बात। क्या मतलब पक्की वक्की कर दी? कविता तू चल, हम दोनों भाग चलते। मैं आई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मतलब तू किसी भी दयानंद के साथ शादी कर लेगी? करनी पड़ेगी, मैं बस यही बोलने आई थी तुझे। कविता बोलना, तू कैसे जीऊंगा मैं तेरे बगैर? और तू जी लेगी मेरे बगैर? कोशिश करती होगी, हम दोनों को बख्शत सारे घाव भर देगा। साहब, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो क्या उसे रोज सामने पीटा हुआ देख सकोगे? कभी चेहरा सूजा हुआ है, कभी चाल लंगड़ी है। आप जब जब मुझे कविता ऐसी हालत में दिखती ना, तब मेरा खून खोलने लगता था। वो वैशी जानवर दयानंद मेरी कविता मेरे प्यार को खुरेद खुरेद कर खत्म करने पर तुला था। दयानंद से शादी के बाद मैंने पद्माकर से कभी मदद नहीं मांगी, कभी भी नहीं। बस कभी कभार साइड पे टकरा जाते थे तो 2-4 बातें हो जाती थी। कविता, तेरे चेहरे पर दयानंद के हाथ के निशान देखकर दिल फटता है, सच में दिल फटता है। नसीब पद्माकर, नसीब। तेरी माँ खुश है तेरी हालत देखकर? मेरी आई को मेरी हालत दिखती कहाँ है, वो तो बस एक ही बात दोहराती रहती है, दयानंद पति है तेरा, संभाल उसे। अरे बहुत संभाल लिया, अब तू अपनी जिंदगी संभाल, तेरी जिंदगी तुझे खुद जीनी है, तेरी आई को नहीं। मैंने पद्माकर को कभी नहीं कहा कि दयानंद को मार दो। पर उसने दयानंद को मार दिया, वो ये कबूल कर चुका है। क्या पद्माकर ने आपको कहा कि मैंने उससे कहा? मुझे पूछने दीजिए उससे, कब कहा था मैंने कि दयानंद को मार दो? देखो पद्माकर, मैं तो कहता हूँ कविता को भगा के ले जाओ,
क्यों झंझट पालना? कविता ऐसे नहीं भागेगी कार्तिक, कविता मेरे साथ तभी चलेगी जब दयानंद उसकी दुनिया से नहीं पूरी दुनिया से चला जाएगा। आ गया साला। साला जिस कविता को मैं फूल जैसा रखता था उसको कैसे मुरझा डाला रे तूने? आदमी है के हैवान? चल कविता साथ चलते। मैं ठीक हूँ। अरे कविता मैंने कब बोला कि तू ठीक नहीं है? देख मैं तेरे घर के तरफ ही जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ डबल सीट पे। मैं पैदल चली जाऊंगी। कविता देख घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मेरे को तेरे से शादी करनी है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुमसे नहीं किसी से भी नहीं। अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन मैं नहीं बदला रहा कविता, मैं अब भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तब करता था। मैं वही हूँ। मैं वो नहीं हूँ। देखो मैं घुमा के बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए वैसा नहीं लगता जैसे पहले लगता था। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भुला चुकी हूँ और अब मुझे अपनी एक साल की शादी और दयानंद दोनों को भुलाना है। मैं बस अब काम करना चाहती हूँ और अपना पेट खुद पालना चाहती हूँ। ऐसा होता है कभी, आपको भी मालूम होगा कि प्यार खत्म हो जाता है किसी के लिए। पर पद्माकर ने दयानंद को खत्म कर दिया और फिर नीलेश को भी जिससे तुम प्यार करने लगी थी। यही बात पल्ले नहीं पड़ रही है मैडम, पद्माकर किसी को मारने वाला गुंडा बदमाश नहीं था, भला इंसान था वो। पता नहीं उसे क्या लगा, क्या लगा उसे कि दयानंद और नीलेश को मार के वो मुझे हासिल कर लेगा। कविता के प्यार में मैंने दयानंद को मार डाला, फिर मुझे नीलेश के बारे में पता चला। दिमाग सुन पड़ गया साहब। ये सच है पद्माकर, कविता अब नीलेश के प्यार में, शायद इसीलिए कविता तुम्हें मना कर रही होगी। क्या हुआ कुछ पता चला? उसकी पड़ोसन मिली थी मुझे नफीसा। क्या बोली वो, कहाँ गई है कविता? वो बोली कि कविता कहीं चली गई है, पूरे मोहल्ले में किसी को पता नहीं है। नफीसा से उसका नंबर लिया, लेकिन वो बोली कि नंबर बदल गया है और जो पुराना वाला नंबर है वो बंद आ रहा है। दयानंद और नीलेश को मैंने एक मकसद से मारा था, कविता को हासिल करने के लिए, लेकिन कविता ही मुझे ठुकरा कर चली गई। उसके बाद मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं रहा। एक कार्तिक की एक गलती की वजह से मेरी जान को खतरा था साहब, अगर मैं विजय को नहीं मारता तो विजय मुझे मार डालता। ये लोगों को जान से मारकर रेल की पटरी पर चेहरा बिगाड़ना कब से चल रहा? दयानंद पहला था साहब, उससे पहले मैंने जिंदगी में एक मक्खी तक नहीं मारी थी। सीधे सीधे बोल कितने? सीधे सीधे बोल रहा हूं साहब, दयानंद नीलेश और विजय, मैं कविता की कसम खा के बोल रहा हूं साहब। कविता इस सब के बारे में पहले से जानती थी ना? नहीं साहब, उसको तो रत्ती भर की खबर नहीं थी। Thank you.
क्यों वे जी तू? आज तूने मुझे सामने से बुलाया, क्या हुआ? ये ले रख, ईमानदारी से इनाम का आधा हिस्सा दे रहा हूँ। वैसे तू आदमी काम का है। वो तो मैं हूँ, पर कोई मानता ही नहीं। कोई नई खबर है ना तो फोन घुमाना, ठीक है? कहाँ? हमें पता लगा कि रतन राव, ओमकार प्रसाद और कार्तिक गिरी एक और सुपारी हत्या में शामिल थे। उन्होंने कबूल भी किया। फिलहाल उनकी इंटरोगेशन चल रही है उनकी और केसेस में इन्वॉल्वमेंट का पता लगाने के लिए। अगर दयानंद के एक्सीडेंट केस को थोड़ा और संजीदगी से लिया गया होता, अगर मर्डर होने के चांसेस टटोले गए होते तो सच 8 साल पहले ही सामने आ जाता। अगर ऐसा होता तो 7 साल पहले नीलेश की मौत नहीं होती, और इसके चलते जाहिर है विजय भी बदला लेने के लिए घर से नहीं निकलता और मारा नहीं जाता। हमने पहले भी ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं जहां रेलवे ट्रैक पर लाश मिलती है, सब एक्सीडेंट समझते हैं पर निकलता मर्डर है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें इस केस से एक बड़ी सीख मिली है, कोई भी सुराग टिप ऑफ बिना अच्छी तरह टटोले उसे नजरअंदाज करना सही नहीं। आखिरकार समय पर लगा एक टांका 9 टांके बचाता है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।